नमस्कार जी, मैं मंजू। अगस्त की आज 12 तारीख है। कई किसी भाई बहन की फरमाइश थी कि अगस्त में लगाए जाने वाले फ्लावर्स के बारे में बताया जाए, तो इतने सारे नाम हैं कि मैं उन्हें लिख के जो आंसर नहीं कर सकती थी, तो ये उनकी फरमाइश पे मैं वीडियो बना के दे रही हूँ। और बाकी जिन भाई बहनों को लगाने होंगे तो वो लगा सकते हैं। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि उनको जुलाई तक लगाने का ही एक्चुअल जो टाइम है, बट कुछ दिन ऊपर नीचे चल सकते हैं, तो मैं बता दूँगी कि वो जो है 15 अगस्त से पहले तक के वो लगा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हम अभी इस टाइम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। और जो कई सारी जगह जैसे गर्म इलाके हैं, मेरी तरह जगह हैं जहाँ दिल्ली के आसपास वाले मौसम रहता है, तो गोमफ्रेना जो मेरे यहाँ है पूरा साल भर ग्रो हो जाता है, तो वो भी मैं बताऊँगी। तो मैं 27-28 तरह के जो पौधे हैं आपको ग्रो करना बताऊंगी, और जहाँ कटिंग से भी आप उनको लगा सकते हैं। तो कोई अदा नाम मैं भूल भी सकती हूँ, अगर आपको याद होगा तो आप फिर लगा सकते हैं। तो नंबर एक पे हमारा आता है एस्टर। एस्टर को अभी आप ग्रो कर दीजिए, तो ये विंटर वाले हैं, जल्दी लगाएंगे तो जल्दी होंगे, बाकी फिर आगे सितंबर अक्टूबर में तो लग रहे हैं। अभी एस्टर को अभी अगस्त में ग्रो कर सकते हैं। नंबर दो पे पिटूनिया को अभी आप लगा सकते हैं। नंबर तीन पे सिंड्रेरिया को अभी आप ग्रो कर सकते हैं। और नंबर चार पे है डाइंथस कार्नेशन जो होता है, तो डाइंथस में जो कई सारे फ्लावर्स आते हैं, तो कार्नेशन को लगा सकते हैं, इसकी लेयरिंग कर सकते हैं और सीड से भी अभी ग्रो कर सकते हैं। और पांच नंबर पे है डाइंथस इंडियन पिंक जो होते हैं, चाइनीज पिंक या जापानीज पिंक भी कहा जाता है, तो ये जो है सदाबहार होते हैं, तो इनको इनको लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं। ये पेरिनियल वाले हैं लेयरिंग से, जहाँ फिर इनकी जड़ के साथ प्लांट्स निकाल के लगा सकते हैं। और नंबर सिक्स पे आप कोन फ्लावर लगा सकते हैं, CONE कोन फ्लावर, उसको लगा सकते हैं और सीड से। और सात नंबर पे साल्विया की सीड्स आप ग्रो अभी कर सकते हैं। और एट नंबर पे स्पाइडर फ्लावर, एक्चुअल टाइम तो स्पाइडर फ्लावर का है जनवरी से फरवरी और जून से जुलाई, पर मैंने बताया ना कुछ दिन ऊपर नीचे चल जाते हैं, तो 15 अगस्त से पहले लगा सकते हैं। और 9 नंबर पे जो है गोमफ्रेना, जो जिसकी पहले शुरू में बात की थी, तो गोमफ्रेना को आप मेरे यहाँ साल भर ये हो जाता है, तो मैंने अभी सीड डाल दी है और निकल भी आए हैं, लगा सकते हैं। 10 नंबर पे 10 नंबर पे बालसम को 15 अगस्त तक आप लगा सकते हैं। एक्चुअल जो इसका टाइम है बालसम का जनवरी से फरवरी, मई से जुलाई, बट अगस्त में भी आप अगर लगा देते हैं तो इनके जो है पौधे जिनके यहाँ सर्दियाँ लेट आती हैं तो हो जाते हैं, फूल आ जाते हैं। और 15 अगस्त से तक लगा दें आप इसके। और 11 नंबर पे फोर ओ क्लोक, अर्ली विंटर को छोड़ के बाकी सारा साल भर फोर ओ क्लोक के सीड्स जहाँ इनके ट्यूबर होते हैं जड़ में, वो मोटी मोटी रूट्स होती हैं ट्यूबर, उनके ग्रो कर सकते हैं। और 12 नंबर पे पार्चुलका पर्सलेन कटिंग से अभी लगा सकते हैं, साथ के साथ फूल आ जाएंगे। 13 नंबर पे पार्चुलका मोस रोज कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, साथ के साथ फ्लावर्स आ जाएंगे। और जो मेरे बहन भाई जीनिया के शौकीन हैं, तो जीनिया को लगाने का टाइम, चलो मैं ये वैसे ही बता देती हूँ, फरवरी से मार्च होता है और अभी जो है अगस्त से सितंबर, तो अभी आप जीनिया को ग्रो कर सकते हैं। 15 नंबर पे कोरियोप्सिस, तो कोरियोप्सिस को आप लगा दीजिए, ठंडी जगहों में तो ये पेरिनियल की तरह ही होते हैं, कुछ टाइम के जस्ट चलते रहते हैं, और इस टाइम आप कोरियोप्सिस लगा सकते हैं। 16 नंबर पे कॉस्मोस, जो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। और 17 नंबर पे ग्लाडिया को ग्रो कर सकते हैं। 18 नंबर पे 18 नंबर पे मैरीगोल्ड को, और 19 नंबर पे टिथोनिया को ग्रो कर सकते हैं। और 20 नंबर पे मैक्सिकन पिटूनिया, उसको सीड से भी और कटिंग से भी, कटिंग से लगाओगे तो साथ के साथ फूल आ जाएंगे। और 21 नंबर पे ग्लोरी लिली होती है, तो उसको ट्यूबर से अभी ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसका बना बनाया जो प्लांट है वो ला सकते हैं। और 21 नंबर पे जो नहीं, मैंने कितने 21 नंबर बता दिया ग्लोरी लिली। और 22 नंबर पे जो रैननक्यूलस के सीड्स लगाने के शौकीन हैं, तो वो उनके सीड जो
अगस्त से अक्टूबर के बीच में ग्रो कर सकते हैं। और 23-23 नंबर पे रेन लिली के फ्रेश सीड लगाए जाते हैं, पुराने नहीं लगते हैं तो अभी लगा सकते हैं। और 24 नंबर पे बिगोनिया मल्टीप्लाइकेशन अभी इस टाइम होता है, स्टेम से भी कर सकते हैं और लीफ से भी लगा सकते हैं। और वैसे ये फरवरी मार्च और जुलाई से सितंबर तक लगता रहता है, तो गर्म इलाकों में ये आपको जो है अप्रैल तक मज़ा देगा। और बाकी ठंडी जगहों में, बाकी जहाँ पे एक जैसा बढ़िया मौसम रहता है, तो ये पेरिनियल के तौर पे सदाबहार रहता है। और 25 नंबर पे विंका के सीड जहाँ स्टेम कटिंग लगती है, और 26 नंबर पे साइप्रस बाइन अभी सीड लगा दीजिए, और 27 नंबर पे अपराजिता के सीड अभी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, जहाँ इसे कटिंग से लगा सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसके फ्लावर्स जो हैं आ जाएंगे। तो जैसे कि मुझे 27 तरह के अभी फूलों के पौधे याद आए हैं, तो कुछ और आपको याद आते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं उन्हें, तो लगा सकते हैं अभी आराम से आप मेरे इन प्यारे प्यारे मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर्स के साथ साथ। चलिए नमस्ते जी, शुक्रिया। और मैंने ये साइप्रस वाइन जो अभी आके ग्रो कर दी है, तो सुबह लगाओ और दूसरे दिन की सुबह जो इसके सीड्स निकल आते हैं, अगर बड़ी बारिश हो रही हो तो सीड इसके ख़राब हो सकते हैं, ज़्यादा गहरे से नहीं ग्रो करने हैं। तो ये देखिए एक पोट में लगा के मैंने थोड़ा नेट के नीचे रखा, क्योंकि आजकल मेरे यहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो हमारे यहाँ जो है मौसम, चलिए इसके बारे में मैं फिर वीडियो बनाऊँगी। बाकी पिटूनिया जो इस टाइम सब तरह के ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि कुछ एक जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे मौसम अच्छा, भारी बारिश से बचा के रखने हैं, भारी बारिश अगर लगातार पड़ती है तो सीड आपके सड़ सकते हैं। तो जिनकी मेरे भाई बहन की फरमाइश थी, तो मेरा ख्याल से वो अब वीडियो देख लें और ये पूरे नाम जान लें, और जिनकी नई भी फरमाइश थी जो लगाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। हाँ, एक फूल तो ये बताने भूल गए, 28 नंबर पे आप ये वाटर लिली भी पत्तों से ग्रो कर सकते हैं, तो ये भी सदाबहार पौधा होता है। बीच में बस सर्दियों में कुछ टाइम ये गायब हो जाता है, बट बीच में ही होते हैं, ट्यूबर मिट्टी वगैरह डाल दें तो फिर, तो इसको मैंने कोई मिट्टी छेड़ी नहीं थी, कुछ नहीं किया, तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, पर ढेर सारे पौधे भी ढेर सारे हैं, ये देखिए ऐसे बड़े क्यूट से। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मैंने 28 तरह के फ्लावर्स आपको बता दिए हैं, तो अभी आप इन्हें तैयार कर सकते हैं।